वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल मेडी लाइफ। मैं हूं एसके मासूद और आज बताने वाला हूं क्लोनेट क्रीम के बारे में, जो कि इचिंग और खुजली एलर्जी के लिए यूज किया जाता है। और भी कंडीशनों में इस ऑइंटमेंट को यूज किया जाता है आगे बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखोगी तो तब भी फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आप इस चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना, जाते जाते बेल आइकन भी बजा देना, क्योंकि आगे मेडिसिन के जानकारी कोई भी वीडियो पोस्ट करे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। क्लोनेट क्रीम को यूज कैसे करें, कितने दिन यूज करें, इसका साइड इफेक्ट क्या है, बेनिफिट क्या है, पूरा बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लोनेट ऑइलमेंट को हेग्रे एंड हेग्रे फार्मास्यूटिकल कंपनी ने मैन्युफैक्चर करती है। 20 ग्राम में आता है। इसका जो एमआरपी है 174। इसका जो इंग्रेडिएंट्स है क्लोबेटासोल प्रोपाइनेट 0.05% और ब्यूटिलेटेड 0.005%, मिथाइल पैराबेन 0.100% और प्रोपाइल पैराबेन 0.060%। इसमें जो मॉलिक्यूल्स है, क्लोबेटासोल एक स्टेरॉइड ड्रग्स है। इस ऑइंटमेंट को आप अपने मर्जी से यूज कभी ना करें डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अलावा। आप जान लेते हैं डॉक्टर किन किन कंडीशनों में इसको यूज किया जाते हैं। बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, उसके वजह से आपका स्किन फूलने लग दी है या दाने दाने निकलने लग दी है, या आपका स्किन रेडनेस हो जाती है, उसके वजह से आपका स्किन में सूजन आती है, उस कंडीशन में इस ऑइंटमेंट को यूज किया जाता है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट भी मिलते हैं। डर्माटाइटिस में इसको यूज किया जाते है, एक्जिमा पे इसको यूज किया जाता है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट भी मिलते हैं। कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट के वजह से आपका शरीर पे कई जगह पे आपका स्किन एलर्जी हो जाती है, उस कंडीशन में इसको यूज किया जाते है। कीड़े मकोड़ा काटने के बाद जो आपका खुजली होती है या एलर्जी होती है, उस कंडीशनों में भी इसको यूज किया जाते है। क्लोनेट क्रीम को डॉक्टर ज्यादातर ज्यादा एलर्जी में यूज करते हैं। इन कंडीशनों में इस ऑइंटमेंट को यूज किया जाता है। और आप जान लेते हैं इसका यूज करने की सही तरीका। यूज करने से पहले डॉक्टर के पास सलाह जरूर लेना है और अपना कंडीशन देखते ही डॉक्टर डिसाइड करेगा कितने दिन लगाना चाहिए और दिन में कितने बार लगाना चाहिए। दिन में नॉर्मली पेशेंट को 2 बार लगाने के लिए बोलते हैं। और आप जान लेते हैं इसका साइड इफेक्ट क्या है। साइड इफेक्ट ज्यादातर कुछ दिखाई नहीं देती है, जो नॉर्मली दिखाई देती है। आपका स्किन ज्यादा सेंसिटिविटी होने की वजह से आपका स्किन में रेडनेस, जलन या लालीपन या दाने दाने निकालना, कुछ भी साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास सलाह लीजिए और तब तक के लिए इस क्रीम को यूज करना बंद रखिए। ये रहा क्लोनेट क्रीम की फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। और क्लोनेट क्रीम की बारे में कोई भी डाउट और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकती हो। किसी भी मेडिसिन के बारे में कोई भी डाउट और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकती हो। ये रहा क्लोनेट क्रीम की फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी है। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग डिजिटल मेडी लाइफ।